ठीक है जी इस लेक्चर के पार्ट में हम देखने वाले हैं कि हाँ, आप डिफरेंट किस्म के रेफरेंस मैनेजर टूल्स जो है उन्हें कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं जारी बात है पूरे के पूरा मैं ए टू जी जो है एंड नोट के बारे में बात नहीं करने वाला बट वी विल सी के रेफरेंस मैनेजर जो होता है टूल्स वो कैसे काम करते हैं एंड देन आई विल शो यू सम बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ स्टूडेंट ई मेल ताकि आपको सारे फ़ायदे जो उसके हैं वो उनके बारे में पता चल जाए तो इट्स गोइंग टू बी अ शॉर्ट लेक्चर पार्ट या सब लेक्चर आप कह सकते हैं रेफरेंस मैनेजिंग टूल या जब भी आपको पेपर लिखते हैं तो आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना जरूरी है अगर इंस्टॉल नहीं है तो ऑनलाइन उन्हें यूज़ करना जरूरी है तो लेट्स सी के वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं सबसे पहला हमारे पास एंड नोट है यूजली मैं एंड नोट को प्रेफर करता हूँ मैंने पहले भी बताया और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ इसको इकट्ठा यूज़ करता हूँ अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एंड नोट का कम्बिनेशन नहीं यूज़ करना चाहते देन यू कैन यूज़ गूगल डॉक्स और गूगल डॉक्स के अंदर सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन आप गूगल क्रोम के अंदर लिखते हैं

तब आपको पूरा ऑफिस 365 का सूट मिलता है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पावर पॉइंट एक्सल एंड समथिंग लाइक दैट सारी चीजें होती हैं एंड देन यू कैन टेक वन टेरा बाइट फॉर सिक्स पीपल छः लोग उसको यूज़ कर सकते हैं फैमिली प्लान होता है उसका नाम माइक्रोसॉफ्ट uh, ऑफिस का और उसमें वन टेरा हर किसी के लिए वन ड्राइव की स्पेस होती है यू कैन बाई दैट वन एज वेल इफ यू वॉन्ट लेकिन फ्री में भी आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल कर सकते हैं डिवेलपर एजुकेशन पैक के थ्रू और यही वजह है कि देर आर मेनी अदर टूल्स जो आपके माइंड में भी आते होंगे कि हमने उसका नाम नहीं लिया फ्लांग का नाम नहीं लिया फ्लांग का नाम ले लिया देर आर मेरी टूल्स लेकिन गूगल डॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दो ऐसे टूल्स हैं जो आपको राइट अप करने के लिए बेस्ट साबित होते हैं देन uh, इसी लेक्चर का अगला पार्ट यह है कि हम किस तरीके से ऑफिशियल ई से बेनिफिट्स ले सकते हैं यानी कि एक स्टूडेंट ई रखने का फायदा क्या है या यूनिवर्सिटी का एफिलियटेड ई रखने का फायदा क्या है